हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पोर्टल का बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुईराम स्पोर्ट की फाइट का एग्जांपल लेके इस वीडियो को एनालिसिस करेंगे कि किस तरह अगर आप परफेक्ट पोर्टल का यूज करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फाइट में एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे पोर्टल की, तो पोर्टल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देता है फाइट पे। यहाँ पे आप पोर्टल का यूज करके एक अनएक्सपेक्टेड रश कर सकते हैं किसी टीम के ऊपर, साथ में अपनी जो स्टैंडिंग्स है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर इस्केप आप करना है तो आप पोर्टल का यूज करके बहुत ही जल्दी किसी भी जगह से इस्केप कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि पोर्टल से बहुत ही जल्दी लिए जा सकते हैं। तो आप ट्राई यही कीजिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पोर्टल का यूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे भाई पोर्टल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। घर के ऊपर रश करने के लिए भी यहाँ पे पोर्टल्स का यूज़ किया जाता था। अभी पहले तक हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ करते थे कि पहले हम प्लेयर्स को नॉक निकालें फिर हम रश करें, बट अभी आप पोर्टल से डायरेक्ट उनके ऊपर जा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि पोर्टल के द्वारा लिए जा सकते हैं। तो अभी हम बुईराम स्पोर्ट की फाइट का एग्जाम्पल लेके पोर्टल की पूरी स्ट्रेटजी को एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो बात करेगा इस फाइट की, तो ये प्रॉपर 4v4 फाइट थी, बुईराम स्पोर्ट वर्सेस C GGG। तो ये फाइट होती है यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पे बुईराम के प्लेयर दो दो के स्प्लिट में खेल रहे हैं। साथ में यहाँ पे देखिए पोर्टल का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे मोसी जो है एक अलग डायरेक्शन पे फ्लैंक एंगल पे जाने के लिए यहाँ पे पोर्टल का यूज करते हैं। तो अभी के लिए ये सिचुएशन यहाँ पे 3v1 की स्प्लिट में खेल रहे हैं। साथ में यहाँ पे मोसी ने जो यहाँ पे पोर्टल लगाया था वो टावर के ऊपर लगाया था, और वो उस पोर्टल का यूज करके टावर के ऊपर चले जाते हैं और एक फ्लैंक एंगल क्रिएट करते हैं। बट वहाँ पे एक स्नाइपर प्लेयर वहाँ पे सेतिपल जी का खड़ा है, तो यहाँ पे सेतिपल जी का एक प्लेयर आगे जाता है और उसको डैमेज दिया जाता है। साथ में इंस्टेंट दो प्लेयर के द्वारा रश किया जाता है उस प्लेयर पे, तो वो प्लेयर वहाँ से एस्केप करके दूसरे साइड जाता है। बट वहाँ पे भी एक प्लेयर हमारे बुईराम स्पोर्ट का रहता है, साथ में यहाँ पे दो प्लेयर की वो स्प्लिट में फंस जाता है। तो 2v1 सिचुएशन थी उसके लिए और वहाँ पे नॉक हो जाता है। साथ में यहाँ पे बुईराम स्पोर्ट की मोसी ने एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया और इंस्टेंट देखिए बैकअप आया, भले वो प्लेयर नॉक हो जाता है बट सेम टाइम पे यहाँ पे बैकअप भी आ जाता है बुईराम स्पोर्ट के प्लेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पे अभी 2v4 सिचुएशन हो जाती है और यहाँ पे बुईराम स्पोर्ट का एक प्लेयर नॉक हो जाता है, बट ये उतना वैल्यूएबल साबित नहीं होने वाला क्योंकि उधर भी एक यहाँ पे सेतिपल जी का प्लेयर नॉक हो जाता है और यहाँ पे 4v1 सिचुएशन हो जाती है और इजी इस फाइट को हमारी बुईराम स्पोर्ट यहाँ से निकाल देती है। तो यहाँ पे सेतिपल जी का लास्ट प्लेयर यहाँ पे बहुत ट्राई कर रहा है बट वहाँ पे कुछ भी वो नहीं करने में समर्थ नहीं था। तो यहाँ पे इस तरह से इस फाइट को बुईराम स्पोर्ट ने अपने फेवर में किया। तो आपने देखा कि किस तरह से बुईराम स्पोर्ट के प्लेयर्स ने कंटिन्यू पोर्टल के यूज करके अलग अलग एंगल्स में यहाँ पे फाइट्स ली, एंगल्स क्रिएट किए। मोसी का बहुत बढ़िया फ्लैंक था और यहाँ पे साथ में एक ही प्लेयर पे दो तीन प्लेयर साथ में चढ़े, जिसकी वजह से इंस्टेंट नॉक निकाला गया, दो नॉक इजीली स्टार्टिंग फाइट में निकाल दिए गए। और इस तरह से बुईराम स्पोर्ट ने इस फाइट में एक अलग एडवांटेज क्रिएट किया। तो अगर आप भी इस तरह से पोर्टल का यूज करते हैं, इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप भी इजी किसी फाइट को निकाल सकते हैं। तो पोर्टल का ट्राई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज।